गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.2. सो क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव हियर, इन एन आइसोसेलेस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. बाइसेक्टर जो है बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. बी और सी की जो बाइसेक्टर्स जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो ओ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो जॉइन कर रहे हैं ए को ओ से. हमें ये दिखाना है ओ बी ओ सी इक्वल है और ए ओ जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में. सो हमें ये गिवन ट्रायंगल में कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है. एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के, तो वो इक्वल होते हैं. और हाफ ए सी बी जो है वो हाफ ए बी सी के इक्वल होगा, और एंगल ओ सी बी जो है वो एंगल ओ बी सी के इक्वल होगा, ठीक है. इस तरीके से हमें प्रूव करना है. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ ए सी है, सो ए ओ इज इक्वल्स ए ओ कॉमन हो गया, ए बी इक्वल्स ए सी गिवन है हमें, और ओ बी इक्वल्स ओ सी हमने ऊपर प्रूव किया है सी पी सी टी के थ्रू, ठीक है. तो ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ ए सी के बाय एस एस एस. सो एंगल बी ए ओ भी इक्वल हो गया एंगल सी ए ओ के बाय सी पी सी टी से. सो ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा इसीलिए. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एडी जो वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रही है बीसी पे. हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है उसमें एबी एसी के इक्वल है. सो देखिए अब ये जो है इसमें देन ट्रायंगल एडीसी जो है वो इक्वल है किसके, ट्रायंगल एडीबी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं. देन सीडी जो है वो इक्वल है बीसी बीडी की, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए डी जो है बाइसेक कर रही है, और बाइसेक करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो जो दो ट्रायंगल्स है ए बी डी और ए सी डी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस से, साइड एंगल साइड से. सो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, है ना. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों साइड इक्वल हो गए. देन थर्ड क्वेश्चन है कि ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड जो है उसमें क्या बोला गया है कि बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ऑफ ए वी ए सी एंड ए बी. ए सी और ए बी पे दो अल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं, हमें ये दिखाने की अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है. सो इन ट्रायंगल ई ई बी और ए एफ सी, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल ए इक्वल है, कॉमन है मतलब कॉमन है, और एंगल सॉरी ए बी और ए सी जो है वो गिवन है कि वो इक्वल है. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ए ए एस से, एंगल एंगल साइड से. तो बी सी इक्वल हो गया सी एफ के बाय सी पी सी टी. क्वेश्चन फोर्थ में बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, इसमें बी ई और सी एफ जो है ना दो साइड्स के ऊपर बनाए गए हैं. हमें दो ट्रायंगल से उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और दिखाना है कि ए बी ए सी के इक्वल है. तो उसके लिए सबसे पहले ए एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90 डिग्री है, एंगल ए कॉमन है, और बी एफ जो है वो सी एफ के इक्वल है, वो गिवन है. तो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स, वो हो गए बाय ए ए एस से, यानी कि एंगल एंगल साइड से. देन सेकंड है इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड दैट, और हमने प्रूव कर रखा है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इक्वल हो गया बाय सी पी सी डी से, ए सी के इक्वल हो गया ए बी. देन क्वेश्चन फिफ्थ वी हैव इट ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है, आर दी सेम बेस, बेस सेम है उनकी. हमें दिखाना है कि एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल एंगल ए सी डी के, ये हमें प्रूव करना है. देन लेट अस गिवन ए डी, हमने क्या किया ए डी को ज्वाइन कर दिया. सो अब हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और ट्रायंगल ए सी डी. ए बी ए बी गिवन है इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है गिवन है, बी डी सी डी के इक्वल है गिवन है, और ए डी बीच में कॉमन आ गई, है ना. तो किससे हो गया बाय एस 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 से, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया बाय सी पी सी डी से. क्वेश्चन सिक्स हमारे पास है कि ट्रायंगल ए बी सी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स ए सी दिखा के रखा है, साइड बी ए जो है वो प्रोड्यूस कर रही है सी डी तक, ठीक है, जिससे कि ए डी क्या हो जाएगा ए बी के इक्वल हो जाएगा. हमें ये दिखाना है कि बी सी डी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अब कैसे दिखाएंगे, देखिए
बोला गया है कि ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इक्वल सी सी गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए सी डी के इक्वल है, अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, और ए सी इज इक्वल्स ए डी, ये हमें ट्रेंगल में गिवन है बी सी डी में। तो ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी बी सी तीनों 180 है। अब इसमें डबल ऑफ ए सी बी प्लस ए सी डी कि ए बी सी भी दो बार है और ए सी डी भी दो बार है, तो ये दोनों 180 हो रहे हैं, 2 से जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ए सी बी और ए सी डी वैसे ही इक्वल हमने बता के रखे हैं, तो उन दोनों को हम लोग एक ही लिख सकते हैं, बी सी डी, मतलब दोनों मिल रहे हैं ना, 2 तो एज इट इज़ है, ठीक है। अब ए सी डी और प्लस ए सी डी, ए सी बी ए सी डी दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, बी सी डी बना रहे हैं, तो हमने बी सी डी लिख दिया, 2 से जाके डिवाइड हो गया, तो बी सी डी आ गया 90 डिग्री, इस तरीके से। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7th, दैट ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ए बी सी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री है, सॉरी मैं बनाना भूल गई, ऊपर ए एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंड ए बी इक्वल्स ए सी, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करना है बी और सी। तो सबसे पहले देखिए एंगल ए बी प्लस सी तीनों 180 डिग्री है, तो एंगल ए 90 है प्लस बी प्लस सी यानी कि 180, 90 उधर गया, या फिर आप ए भी लिख सकते हो कि एंगल बी और सी दोनों इक्वल है, तो मैंने लिख दिया 2B, ठीक है। तो अब 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45 आया, तो मतलब बी और सी कितने आ गए, 45 डिग्री आ गए, इस तरीके से निकाल देना है। देन क्वेश्चन 8th है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, एक इक्विलेटरल मतलब ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो 60 डिग्री है, ये बताना है। सो हमने क्या किया, ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स ए सी, एक दूसरे के इक्वल है तीनों, तो ए बी इक्वल्स ए सी, ठीक है, ये हो गया। हाँ अब नेक्स्ट देखिए, सी इक्वल्स बी, एंगल इक्वल है, ऑपोजिट है, ठीक है, तो ऑल्सो ए सी इज इक्वल्स बी सी, ए सी भी बी सी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो भी एंगल ए के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों 180 बना रहे, तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को ए ए ए लिख सकती हूँ, तो 3A इक्वल्स 180 हो गया। अब 3 दो के डिवाइड हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब ए 60 तो बी और सी भी 60 होंगे, तो प्रूव हो गया कि तीनों एंगल 60 डिग्री है, इस तरीके से ले लेना है। सो यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है 7.2 ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन थैंक यू।